हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैक्रोनी की रेसिपी। और ये हमने सारा कुछ सॉस और इसका सब कुछ मैंने घर पे ही बनाया है। मेरा खाने का दिल कर गया तो लॉकडाउन में मैं बाहर तो जा नहीं सकता, तो जितना भी बचा हुआ मटेरियल घर में रखा था, बची हुई सब्जियों से ही मैंने ये मैक्रोनी बनाई हुई और सॉस भी इसका घर पर ही बनाया है। तो ये मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए ये रेसिपी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मृदुल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मलाई मार्केट में। तो दोस्तों, यहां पे सब्जियों में मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। ये एक स्लाइड्स मैंने अनियन लिया हुआ है और एक ये मैंने चॉप कर लिया है अनियन। ये थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने इसे कट कर लिए और सिर्फ ये तीन कलर की कैप्सिकम ले ली है। ये येलो कलर की कैप्सिकम है, ऐसे ये रेड कलर की थोड़ी सी कैप्सिकम एक ले ली है और ये मैंने ग्रीन कलर की कैप्सिकम अपनी यूजली वाली ले ली है। तो चलिए इनको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ऐसे अपनी कैप्सिकम चॉप कर ली है। तो चलिए अब हम अपना सबसे पहले सॉस बनाकर तैयार करते हैं। तो सॉस के लिए सबसे पहले हम ये देगी मिर्च ऐड करेंगे। ये मैंने पानी में पहले से भिगो के रख ली थी दोस्तों। अब ये लगभग दो टमाटर मैंने चॉप करके डाले हुए हैं और इसके बाद हमें इसमें ये थोड़ी सी जिंजर ऐड करनी है। थोड़ी सी जिंजर ऐड करने के बाद बहुत ढेर सारा गार्लिक डालना है। मैंने छोटा छोटा ऐसे चॉप कर लिया था, गार्लिक मेन है दोस्तों। तो गार्लिक हमें ढेर सारा गार्लिक ऐड करना है और इसके बाद थोड़ा सा हमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर देना है। और ये मैंने वाइट विनेगर थोड़ा सा डाला है, ये ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, ना भी हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ढक्कन लगा के हमें एक अच्छा सा इस तरीके का फाइन पेस्ट बना लेना है। चलिए मैं अपनी मैक्रोनी बॉयल कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये पानी बॉयल हो रहा है, बॉयल हो चुका है। तो अब इसी में हमें एक टेबल स्पून के करीब ये सॉल्ट ऐड करना है और बस इसी बॉयलिंग वाटर में हमें अपनी मैक्रोनी ऐड कर देनी है। ये 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेगा दोस्तों बॉयल होने में। तो देखिए हमारी मैक्रोनी दोस्तों एकदम अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल कर इसका पानी निकाल देंगे और चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए, तो कढ़ाई हमने साफ करके फिर से चढ़ा लिया है दोस्तों। अब इस कढ़ाई में हमें मैक्रोनी बनानी, तो सबसे पहले इस नॉर्मल कढ़ाई को नॉनस्टिक कढ़ाई कैसे बनाना है मैं ये आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना है और इसमें लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करना है। और जब ये ऑयल ऐसे धुआं निकलने लगे ऑयल से दोस्तों, उसी टाइम पर हमें अपने ऑयल को चारों तरफ से ऐसे अच्छे से घुमा लेना है, जिससे कि सब पूरी लाइक कढ़ाई के चारों तरफ दीवारों पे ऑयल अच्छे से लग जाए। अब देखिए ऑयल अच्छे से लग चुका है दोस्तों। अब ऐसे हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ घुमा घुमा के पोंछ लेंगे। ये आयरन की कढ़ाई में बहुत अच्छे से वर्क करता है, बट हमने इसमें भी ट्राई किया है, इसमें भी एक इसने काम किया है थोड़ा मोड़ा दोस्तों, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए हमारी नॉनस्टिक कढ़ाई बन के तैयार है। अब इसमें लगभग 4 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे और इसे जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब उसी टाइम पे हमें जो ये मैंने महीन चॉप किए हुए प्याज थे इन्हें ऐड करेंगे और इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक दोस्तों भून लेंगे। ये 2 से 3 मिनट लेंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसी टाइम पे हमने जो सॉस बना के तैयार किया था अपना घर वाला दोस्तों, इसे ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे पहले 1 मिनट तक। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हमें सारी सब्जियां ऐड कर देना है अलॉन्ग विथ दिस अनियन। ये अनियन डाल देना है और इसके बाद हमने जो कैप्सिकम अलग अलग कलर की सारी ली है वो भी ऐड कर देना है। याद रखिए दोस्तों, इस सॉस में हमने देगी मिर्च ऐड की है जो कि कलर के लिए होती है। आप देगी मिर्च ही ऐड कीजिएगा, ये सिर्फ कलर के लिए है, ये ज़रा भी स्पाइसी नहीं होती। स्पाइसीनेस के लिए हम ऊपर से थोड़ी अपनी चिली ऐड करेंगे। तो हमने सारा जो भी सब्जियां काट के रखी थी वो मिला ली हैं। अब इन सब्जियों को सॉफ्ट होने के लिए हमें दोस्तों लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक देना है, जिससे कि ये सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए
तीन मिनट हो चुके हैं दोस्तों, चलिए खोल के देखते हैं। और देखिए मोस्टली हमारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं दोस्तों। तो चलो अब इसी मोमेंट पे हमें अपनी जो माइक्रोनी मैंने बॉयल करके रखी थी वो ऐड कर देना है और फिर इन सब्जी में अच्छे से वो माइक्रोनी मिला लेना है। तो चलिए हमें माइक्रोनी इसी में ऐड कर देते हैं सारी माइक्रोनी। देखिए हमारी माइक्रोनी एकदम परफेक्ट बॉयल हुई है दोस्तों। आपको ऐसे ही एक बर्तन में रखना जहाँ से पानी अच्छे से रिलीज हो जाए पूरी माइक्रोनी का। तो अब इसे हमें अच्छे से एक बार मिला लेना है पूरा। देखिए लग नहीं रही है दोस्तों, नीचे बिल्कुल भी चपक नहीं रही है माइक्रोनी। अब देखिए अब इसी टाइम पे हमें जो भी थोड़ा बहुत मसाला ऐड करना है वो डाल देना है। तो ये हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने काली मिर्च डाली है, ऐसे ही 1 टेबल स्पून के करीब ये जीरा पाउडर डालना है। और इसके बाद ये सॉल्ट डालना है लगभग 1 टेबल स्पून के करीब। और ये मैंने रेड चिली पाउडर ऐड की हुई है लगभग 1/2 टेबल स्पून के करीब। ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है दोस्तों इसे, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है लगभग 4 से 5 मिनट। और देखिए हमारी माइक्रोनी एकदम परफेक्ट बन के तैयार है दोस्तों। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू रेसिपीज़ के लिए। मिलते हैं आपसे किसी और रेसिपी में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।